हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं फाइनली बनाने जा रही हूँ अपनी चैलेंज वीडियो। थंबनेल आपने देख लिया होगा क्योंकि मुझे टाइम मिला नहीं, मैं घर चली गई थी। आज होने वाला है मेरा चैलेंज जिसमें आप लोगों ने मुझे कुछ चैलेंज दिए हैं, तो बारी बारी से चैलेंज पढ़ते हैं और अभी से शुरुआत करते हैं। पहला चैलेंज, दोनों पैर में अलग अलग जूते पहनकर मार्केट में घूमो। ये क्या है? और आज आउटिंग भी है, मार्केट जाना ही है अलग अलग, अब जूते पहन के अलग अलग, लेकिन डीआर कंप्लीट करना ही है। तो आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, लेट्स सी। चलो जूते पहन के आते हैं अलग अलग। ये रहे मेरे अलग अलग जूते। गाइस जूते तो मैंने पहने, यहाँ पर तो हॉस्टल ही है इसलिए ज्यादा लोग नोटिस नहीं करेंगे। मार्केट में जाऊंगे तो लोग मेरे पैरों में देखेंगे तो। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। तो मेरा पहला डेयर कंप्लीट होता है, अब मैं इन दोनों को ही पहन के जाऊंगी अलग अलग सूट पहन के। थैंक गॉड आप लोगों ने मुझे एक पैर में जूता एक पैर में चप्पल नहीं दिया, वो थोड़ा और ऑकवर्ड हो जाता। जूता ठीक ही रहने ना माइक भाई लगभग। नवनिया बताओ कैसा लग रहा है मेरा चैलेंज? ये तो शॉक्ड है। तुम भी देना चाहती हो मेरे को कोई चैलेंज? दो चुटकियां बना के लाओ। असंभव। नहीं यार, घर आके बनाऊंगी। ठीक है ठीक। और स्कूल के कपड़े पहनूंगी। स्कूल के कपड़े कहाँ से आएंगे? शर्ट पहन। किसकी शर्ट है? व्हाइट शर्ट। किसके फिर? मांग के। अच्छा तो अब आती है सेकेंड डेयर यानी कि सेकेंड चैलेंज की बारी। और सेकेंड चैलेंज ये है कि साड़ी पहनकर पूरी मार्केट घूमनी है। इतनी धूप में मैं साड़ी कैसे पहनी हूँ? और कितना ऑकवर्ड, वैसे साड़ी पहनना उतना ऑकवर्ड नहीं है क्योंकि हर कोई साड़ी पहन के जाता ही है, तो मेरे लिए ये उतना बड़ा चैलेंज है नहीं, मैं पहन के चली जाऊंगी। गाइस फाइनली साड़ी तो पहन ली है, अम्मा जैसी ना लग रही हूँ मैं। प्रियंका कैसी लग रही? ठीक लग रही है। मैंने मेकअप वेकअप कुछ किया है नहीं, इयर रिंग्स भी नहीं डाले क्योंकि साड़ी का ही चैलेंज था, तो साड़ी पहनू फ्रेश पार्टी में तो ना जाने मैंने, तो ऐसे चलते हैं। चलो गर्मी इतनी होगी, ऊपर से ब्लैक पहन दिया है। और इयर रिंग्स वगैरह कुछ डाले नहीं तो मुझे खुद ही अपना लुक करना लग रहा है, लेकिन फिर भी चैलेंज पूरा करना है तो फटाफट जाती हूँ। साड़ी का ही चैलेंज था, कर लिया मैंने ये चैलेंज भी, जाना मार्केट में घूमते हूँ, लोग क्या देख बोलेंगे। तो साड़ी तो नॉर्मल है, बोल दूंगी फ्रेश पार्टी से आ रही हूँ, कोई पूछेगा तो। तब वैसे अच्छी बताया, कैसी लग रही हूँ? स्कूल की मैडम आती है सेम साड़ी, मैडम भी ऐसी साड़ी पहन और मैं भी लग रही हूँ ना, एक हाथ में पर्स होना चाहिए सेम मैडम लगती है। गाइस ऊपर से साड़ी नीचे से दो अलग जूते। ऐसे कार्टून बन के घूमने वाली आज मैं मार्केट में। ये होने जा रहा है मेरा नेक्स्ट चैलेंज और ये है कि एटलीस्ट गो टू फोर रैंडम पीपल्स ऑन द स्ट्रीट एंड गिव देम अ हाई फाइव। चार अनजाने लोगों से मुझे हाई फाइव लेना है। आगे से सीरियस मूड पे एक अंकल आ रहे हैं, पहले मेरे माइंड पे आया क्यों ना मैं इनको हाई फाइव दे दूं, लेकिन नहीं दे पाई। अभी अंकल जा रहे थे, पहले मेरा मन किया कि मैं उनको हाई फाइव दूं, चाटा मार देते तो। फिर मैंने सोचा मैं यहाँ पे कुछ लोग का वेट कर लेती हूँ, उनको हाई फाई दे दूँ, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैंने साड़ी पहनी थी और मुझे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था और हवा इतनी तेज थी कि मेरी साड़ी रस्ते में बहुत ज्यादा उड़ रही थी। प्रियंका मेरी साड़ी ठीक करने में है। इतनी उड़ गई, इतनी वो होगी ना, सच में साड़ी तो बैलेंस करनी मुश्किल है। यहाँ पे मुझे तीन अंकल एक साथ दिख चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन तीनों को एक साथ जल्दी से हाई फाई दे देती हूँ, मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं आगे बढ़ गई। एंड गाइस पता नहीं क्यों आज लिटरली मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये साड़ी पहन के, क्योंकि जितने भी लोग मार्केट में जा रहे हैं मेरी साड़ी को बहुत ज्यादा घूर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है यार। लोग आंटियां भी घूर घूर के देख रही हैं, उनकी कैटेगरी की आंटी लग रही है क्या? तो हो गया, पीछे से कैमरा ऑन करेगी, आगे से ऐसे चलेगी क्योंकि तूने साड़ी पहनी है। एक हाई फाई तो मैंने ले लिया था, लेकिन तीन और हाई फाई लेने थे, इसीलिए दाएं बाएं नजरें घुमाते हुए मैं निकल पड़ी आगे के लिए। गाइस अभी वंशिका भी आ रही है ना, उसके लिए वेट कर रही थी मैं, अब उसका रिएक्शन देखती हूँ, उसको भी पता नहीं है मैंने साड़ी पहनी है। क्या कैसी लग रही? ये रहे भैया, आज मेरी चैलेंज वीडियो है। कैसी लग रही? आटू लग रही हो? सच में? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मेरे पे हंस हंस के ना, सच में जो बना लो तुम लोग मेरे पे। अब तो मुझे मुंह चला के जाती हूँ, मास्क पहन के है ना। चलो तुम दोनों को कर दिया। अरे यार ऐसे सारा मुंह बना के आ रहे हैं लोग ना, ऐसा देने का मन नहीं कर रहा है। तो दे रहे हैं पागल को। क्या
तुम्हारा एक बार दोबारा बोलना है लाइन प्लीज। एक बार दे दे रहे हैं पागल को। मैं जा रही घर, कोई चैलेंज नहीं बना रही मैं। चलो ये कंप्लीट हो गया। वो बच्चे कह रहे हैं डरा गया, वो लोग कह रहे हैं। अब हम मार्केट को जाते हैं, नेक्स्ट चैलेंज लेते हैं। तो मेरा नेक्स्ट चैलेंज होने वाला है, आपका डेयर यह है कि आपकी जगह दरी बिछा कर भीख मांगनी है। ये वंशिका ने दिया मेरे को, कटोरा लेना है और बोलना है भगवान के नाम पे दे दो। तो यहाँ पे एक आंटी बैठी थी, उनकी जगह आज मैं बैठ जाती हूँ। तो ये मेरी भीख मांगने की जगह हो गई है, यहाँ पे बैठ जाती हूँ। कोई मुझे अल्लाह के नाम पे कोई देता है तो प्रॉपर बैठो भिखारी की तरह। ऐसे बैठना भिखारी, ऐसे तो बैठते हैं। कौन सा स्टाइल, इतना स्टाइल भिखारी नहीं देखा मैंने आज तक। यार कौन देगा मेरे को ये बताओ ना। तू पहले ढंग से बैठो, एक भीख मांगनी है। प्रॉपर भीख वो करो, भिखारी की तरह बैठो। कैसे बैठती हो, ऐसे तो बैठते हैं। चुप रहो, ऐसे साड़ी यूं करके बैठती है वो। पल्लू में मांगूंगी ना, और भीख के लिए कटोरा है तुम्हारे पास? कटोरा है लग रही थी किसी एंगल से। चलो मांग लो, तुम प्रियंका साई तुम प्रॉपर नहीं कर रही हो। बच्चे आ रहे हैं उनसे मांगती हूं। आ जाओ, भीख मांग रही हूं। नहीं देंगे यार, तो तुम्हारे खुद से पैसे तू बैठी तो नहीं। अरे यार मेरे को भीख देनी है, दे दो यार। 2 रुपया भी दोगी तो? हाँ दे दो। ये कहूंगी कुछ नहीं। तो गाइस भीख मुझे मिल चुकी है 10 रुपए। ये चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका है। चलो चैलेंज कंप्लीट हो गया। बैठी तो वहाँ पे भीख मांगने के लिए, बच्चे स्कूल के 2 बच्चे वो मेरे पे हंस के चले गए। गाइस मेरा नेक्स्ट कमेंट है, मार्केट में किसी को भी प्रपोज करो। इसके तो 2-3 कमेंट्स आए थे मुझे, तो मुझे इंसान भी मिल गया जिसे मुझे प्रपोज करना है। बस रोज नहीं है फूल। गाइस मैं पहुंची तो ऐसी जगह पर जहाँ पे मुझे फूल भी नहीं मिला प्रपोज करने के लिए। बेचारी को इंतजार करा दिया। अब मैं ना बिच्छू घास से प्रपोज करती हूँ। नहीं यहाँ मेरे को घास मिला, घास से प्रपोज करती हूँ। अरे फूल मिल गया, फूल मिल गया, मिल गया फूल। नाम बताओ। सूरज सिंह भोज। सूरज सिंह भोज। तो मुझे मिल चुके हैं, आपको मैं प्रपोज करने जा रही हूँ। ठीक है, एक साड़ी भी मार रही हूँ। जी भर के घुटने बैठ के करो और अच्छा लगेगा ना। जी भर के देखना है तुम्हें, ढेर सारी बातें करनी है, कभी खत्म ना हो ऐसी मुलाकात करनी है। I am sorry, I have a girlfriend. मेरी साड़ी पे कमेंट, आज मैं कैसी लगी बताओ। मेरे ब्लॉग देखोगे? हाँ। सब्सक्राइब कर देना प्रियंका साहिब ना। हाँ। चैनल सब्सक्राइब करें। कैसे बता? प्रपोज करने वक्त आंटी ने हमें देख लिया था, उसके बाद आंटी मेरे बारे में सारी डिटेल पूछने लगी, गप्पे मारने लगी। गप्पे मारते मारते हम भी चले गए, आंटी भी हमारे साथ चलने के लिए रेडी हो गई। शायद आंटी को हमारी चैलेंज देखने में बहुत ज्यादा मजे आ रहे थे, इसलिए ज्यादा हंस रही थी। और नेक्स्ट चैलेंज ये है कि हिम्मत है तो ये करके दिखाओ। सभी लाइक करो, इसमें किसी भी आदमी को पकड़ो और उससे बोलो कि मैं उनकी बहू हूँ, कर सकते हो क्या? जी हाँ मैं कर सकती हूँ, किसने को बोल दूंगी? इन्हीं को बोलो, इनको रोक देगा। अगर मैं आपके बहू हूँ। मजा नहीं आ रहा है। उनको उनके साथ प्रैंक कर रही हूँ। 2-3 लोगों को एक साथ और करते हैं, ठीक है? मैं आपकी बहू हूँ वाला। गाइस आंटी भी हमारी हेल्प करने वाली है। आंटी कह रही है मैं बताऊंगी लोगों को कि ये आपकी बहू है। आंटी बता दे। आंटी हमें अपने पीछे पीछे लेकर गई और आंटी का कहना ये था कि मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो तुम्हारी वीडियो में आ सकते हैं, इसीलिए मैं भी आंटी जी के पीछे पीछे जाने लग गई अपने लिए ससुर जी को ढूंढने के लिए। लेकिन ये क्या, आंटी तो मुझे मंदिर में धकेल कर लेकर जा रही। आंटी मुझे यहाँ मंदिर में भी लेके आ गई है। नहीं मैं ही तो नहीं आपकी बहू। हाँ क्या पता फिर मुझे तो नहीं थी वाला चाहिए, कंप्यूटर नहीं वाला चाहिए। खुद भले ही दिखा रही है, मेरा ही भतीजा। नहीं वाला होगा एकदम हैंडसम सा लड़का, तो बता देना। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो मेरी है। तीज तीस।
से अंकल को बोलूंगी ना कि मैं आपकी बहू, पता चला अंकल का बेटा ही नहीं है तो कहने में क्या जा रहा है। बेटे के बारे में पूछूंगी, अभी तक अंकल नहीं मिले मुझे। अंकल मैं आपकी बहू, हाँ इनको बोलो। अंकल मैं ना आपकी बहू हूँ। बात नहीं, मेरी बहू है तो कच्ची बात है। अच्छा बुरा नहीं लग रहा क्या? बुरा नहीं, मतलब कैसा लग रहा है फिर आपकी अपनी बहू को देखकर? बहू को देख के कैसा लग रहा है? कैसा लगना चाहिए? कैसा लगना चाहिए? अच्छा लगना चाहिए। अच्छा लगना चाहिए। हाँ चैलेंज है, मतलब चलो आपने पूरा कर लिया मैंने चैलेंज। मुझे किसी को भी, किसी अंकल को बोलना था कि मैं आपकी बहू हूँ, वीडियो बनानी थी, ब्लॉग बनाना था ना इसलिए। हाँ तो मैंने आपको बोला थैंक यू। तो ये रही मेरे ससुर जी। अरे गिफ्ट भी मिल रहा है ससुर जी से तो। थैंक यू। एक और चैलेंज है, ये मेरा नेक्स्ट चैलेंज है, छोटा सा चैलेंज है, जादू दिखाओ। जादूगरनी तो मैं हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक जादू दिखाऊंगी, दिखाती हूँ। तो मैं जादू दिखाने जा रही हूँ। वापस आ गई, कैसा लगा जादू कमेंट्स करके बताना। या, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो गाइस अब नेक्स्ट चैलेंज करते हैं, डे नंबर 2। मतलब ये है किसी कपड़े की दुकान में जाना है और किसी कपड़े का रेट पूछना है। जैसे ही दुकानदार रेट बताएगा, अच्छा अच्छा बोलकर भागना है कम से कम 7-8 दुकान आगे, फिर वापस दुकान में जाकर कहना है कि ये डेयर था। लेकिन ध्यान रखना, ऐसी दुकान में जाना चाहिए, ऐसी दुकान होनी चाहिए जिस दुकान में तुम कभी ना गए हो, यानी कि वो दुकानदार पहचानता ना हो। बहुत सारी दुकानें हैं, मैं तो कुछ गिने चुने दुकानों में जाती हूँ। तो अब वंशिका बताएगी मुझे किस दुकान पे जाना है। तुम कपूर एंड सन्स में जाओगी। चलो अरे वो तो वहाँ तो मैं जा चुकी हूँ ना। इसका रेट कितना है? 1200। कितना? 1200। और दिखा दो कह रहे हैं, ये तो नॉर्मली हो गया ना। कोई बात नहीं, चलो हो गया। उसे प्राइस तो पूछ लिया, आ भी गई, लेकिन इसमें मजा नहीं आया। ये तो नॉर्मल था, हम किसी भी शॉप से प्राइस पूछते हैं भी चले जाते हैं, क्योंकि हमें चीज़ें पसंद नहीं आती, फिर भी अंकल को बोलते हैं ठीक है ना, उसने तो इतना डियर था। भगवान लड़की, इसको लेना नहीं था, फिर खाली एक वीडियो बना रही थी कि प्राइस पूछना था, इसलिए चले गए लड़की, खाली एक डियर था। चलो अंकल नजर। गाइस मेरा नेक्स्ट चैलेंज ये है कि डेयर ये है कि आपको चाय बनाकर पीनी है, लेकिन सत्य है कि उस चाय में दूध की जगह दही इस्तेमाल करना है। फिर इसी चैलेंज, फिर मैं बताती हूँ, क्योंकि इस कमेंट को फिर मॉडिफाई कर दिया था। अरे यार वो नहीं आ रहा है, मतलब हमें खुद नहीं बनानी है, किसी और से बनवानी है चाय। तो मैं आ चुकी हूँ मार्केट में, चाय बनवाती हूँ अपने लिए दही वाला। अंकल चाय बनवानी है, चाय बनानी है, एक गिलास ले जानी नहीं है ये, आप बनाते हो ना चाय, लेकिन चाय में दूध की जगह ना एक चीज डालनी है, दही नहीं है। अगर मैं दही लाके दूं तो डाल दोगे? फट तो जाएगा। गाइस यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। तो अंकल से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया था, दही कह रहे थे तू चाय फट जाएगी दही डाल के। रॉयल करवाने चलते हैं, चाय बनवाती हूँ फिर उसमें दही डालो। चाय नहीं बनेगी, लेकिन चाय ठीक ही नहीं है, ठीक ही है ही नहीं, बन नहीं जाएगी, नहीं बना दो, थोड़ा सा बनाना है। वहाँ से भी रिजेक्शन, क्या चाय गाइस, जैसे चाय कुछ बना नहीं रहा है और मैं घर पे ही बनाऊंगी, उसमें दही डालूंगी, है ना। ये चैलेंज मैं घर जाके कंप्लीट करती हूँ। जो इस पूरे मार्केट में जो साड़ी पहन के घुमाया ना, वो इंडिया निहारी का है जिसने कैमरा पकड़ाया भी, इसी की वजह से पहन के आई हूँ। नेक्स्ट कमेंट यानी कि नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैलेंज ये है कि पब्लिक में गाना गाना है, और मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ गाना गाने। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। जोर जोर से गाना पीटो। अब कौन सा गाना गाओगे? टू थ्री चलो। गाना तो बताओ फिर। ऐसे तो लोग आते हैं। दीदी
है कि लोगों से अपनी ब्यूटी की तारीफ करवानी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है लोग मेरी बेइज्जती करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, फिर भी करवाती हूँ। ठीक है, 3 या 4 लोगों से करवा लेती हूँ। मैं बताया नहीं कि कितने लोगों से करवानी है, 3 या 4। यहाँ यहाँ इसमें करो करो। हाँ अच्छी लग रही है। और आपकी अच्छी लग रही है। बस आपने मेरी 4-5 तारीफ करनी है। मैं मेरे को मेरी तारीफ करनी है 4 या 5। चलो 2-3 तारीफ कर, 2 या 2 कर दो। चलो 2 तारीफ है। कैसी लग रही है? कैसी लग रही है इसकी साड़ी? कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी लिपस्टिक कैसी लग रही है? बहुत भी अच्छी लग रही है। और बाल? बाल भी बहुत अच्छे। बाल अच्छे है ना? थैंक यू। मेरी तारीफ आंटी करिए क्योंकि पिछले 1 घंटे से मेरे साथ है, तो आप पहचान ही होंगे कैसी क्या हूँ। आप तारीफ करिए। चलो जोर से बोलना। और फिर 4 दिन है हर किससे बोल जाते हैं। और आपकी साड़ी का मिला कुछ अच्छा। थैंक यू। पता नहीं आवाज आई नहीं आई। तो गाइज मेरा नेक्स्ट चैलेंज ये है कि गो आउटसाइड एंड डांस विद स्ट्रेंजर। तो मैं अब ये कैसे करूँ? कौन करेगा मेरे साथ डांस? मैं तो कर दूँ अकेले, लेकिन मुझे किसी स्ट्रेंजर के साथ करना है। नेपाल तो बोलना चाहती क्या? चलो बाल पसंद आ गए। एक चैलेंज वीडियो बनानी है। हेलो, एक ही वीडियो बनानी है, डांस करना है। ये मैं करने वाला भाई। क्यों? अरे पब्लिक ने मुझे चैलेंज दिया है, गो आउटसाइड एंड डांस विद स्ट्रेंजर। अरे यार ये तो स्ट्रेंजर ही नहीं है, सॉरी गाइस, स्ट्रेंजर के साथ डांस। ओके भाई, इसे गले से मुंह से निकालते हैं भाई, गले से और निकालते हैं। आवाज गले से ही आती है। अच्छा, खाए मार्केट में खाए? मार्केट में चॉकलेट पता नहीं। प्रियंका तू कहाँ है? वो भी मार्केट ही होगी ना। अच्छा, हाँ मैं प्रियंका दी ही हूँ। तो गाइस आधे हमारे डेज कंप्लीट हो चुके हैं, आधे मैं कल कंटिन्यू करती हूँ। अभी जाते हैं वापस हॉस्टल को।